हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जुलाई में शुरू होने वाली यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जुलाई में होने वाली जो परीक्षाएँ हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। और आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अब ये परीक्षाएँ आपकी कब से होंगी, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी की न्यूज है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहेगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने अंदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आज की जो न्यूज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिनांक 27 जून को ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया जा चुका है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे और यहाँ पर आपको रेफरेंस में देखने के लिए मिल रहा है पोस्टपोन मेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ SOL एंड NCVAB इन ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE मोड टू बी ए कंडक्टेड रिमोटली एज पर नोटिफाइड डेट शीट फॉर ऑल UG एंड PG प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2019, यानी कि UG और PG के यहाँ पर जो आपके फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के जो आपके एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने जा रहे थे ओपन बुक मोड में, तो उनको फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। DU ओपन बुक एग्ज़ाम टले नई डेट सीट 3 जुलाई को होगी जारी, निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 1 जुलाई से शुरू होने थे एग्ज़ाम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए होने वाले ओपन बुक एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया है। ये एग्ज़ाम 1 जुलाई से शुरू हो रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी टाइप से अपना डिसीजन ले और जुलाई में होने वाली जो यूनिवर्सिटी परीक्षाएँ उन्हें रद्द कर दे, ताकि स्टूडेंट्स में यहाँ पर जो भ्रम की स्थिति है, स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। इसके साथ साथ कई सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल एग्जामिनेशन स्कीम भी जारी की जा चुकी है, जिस वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे हालात में यूपी गवर्नमेंट को भी इस पर विचार करना चाहिए और जुलाई में जो यूनिवर्सिटी परीक्षाएं हैं उन्हें नहीं करवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।